देखें एनसीईआरटी बुक के अनुसार सीबीएसई क्लास 12 में हम दो स्टेप ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा स्टेप होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है? इस जनन प्रक्रिया में जब नर और मादा दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, इस प्रक्रिया में होने वाले सहवास को, स्त्री और पुरुषों में होने वाले सहवास प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। यह जनन दोनों इच्छाओं से, पति पत्नी अपनी इच्छाओं से संभोग की रीति को पूरा करते हैं। इस तरह से यह प्रक्रियाओं को हम जो है युग्मक जनन कहते हैं। इसके बाद आता है 3.4 में दिया गया है आवर्त चक्र, अर्थात इसे कहा जाता है मासिक धर्म। प्रत्येक माह में 24 दिन के बाद 4 दिन इनका कार्यकाल होता है। परिभाषा इसकी है महिलाओं में प्रत्येक माह में आने वाले भागीमा से एक प्रकार का लाल रक्त अर्थात रुधिर स्राव को हम आवर्त चक्र कहते हैं। यह चक्रकाल संभवतः 1 मंथ अनिवार्य होता है, जिसमें 1 महीना और इस महीने में डे कितने दिन का होता है 4-5 दिन यह डे जो है डे काल होता है, जिसमें हम प्रजनन नहीं करते। और इसके बाद यदि प्रजनन कर भी लिए तो जो है आपका गर्भ होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इस सप्ताह में जो है हम ब्रेक करते हैं। दूसरा है प्रश्न आता है इसमें है, इन डेटों के साथ साथ जो काल होता है 14 डी, यह काल जो है सुरक्षित काल होता है और शेष 14 दिन में 7 डे आने और बाद, ठीक है, 7 दिन पहले आने से पहले और जाने से 7 दिन बाद तक, यह काल में यदि प्रजनन हुआ तो भी जो है गर्भ होने की संभावना होती है। इस दिनों में यह जो है यह प्रक्रियाएं हमें नहीं करते हैं और यह सुरक्षित काल कहा जाता है 14 दिन, वही 28 दिन यानी 29-30 दिन के महीनों में 14 दिन जो है सुरक्षित काल कहलाता है। इस काल में जो है प्रजनन हमें करना चाहिए और इस काल में हुआ प्रजनन प्रक्रिया में बच्चे आने वाले अवधान हृष्ट पुष्ट बलवान होते हैं, जबकि इस काल में यदि हुआ तो उनके बच्चे दुबले और पतले होते हैं। इसके बाद आता है 3.5 में आता है निषेचन क्या है 6 पॉइंट। निषेचन क्या है? नर मादा में होने वाले रिप्रोडक्शन क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। पादपों में अलग होता है, मानवों में अलग होता है, जंतुओं में अलग होता है, ये भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो है निषेचन युग्म होती है। तो ये हम कह सकते हैं पशुओं एवं जानवरों एवं वनस्पतियों में जंतुओं में होने वाले सहवास प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इसमें जैसे गुड़हल का पौधा ले लीजिए,
उसके पुष्प में निकले हुए गुड़हल के पौधे में जो पुष्प निकलता है, इस पुष्प से जो रोभिभ होते हैं या इस पौधे में जो ऊपर के बूंदी दिखाई देते हैं, यह जो है रिप्रोडक्शन क्रिया करने यानी यह वर्गीकरण आपका निषेचन प्रक्रिया यह भी होता है, परंतु यह जो है वर्तिकाग्र तक होता है, वर्तिकाग्र पुंकेसर से सिरे से होता है, जबकि आपके जीवों में अन्य जीवों में आंतरिक भागों से होता है और यह गुड़हल के पौधे में बाह्य दलों से होता है। तो इस तरह से निषेचन प्रक्रियाएं जो है होती है। सो गर्भता, सो गर्भता आबलिक दिया गया है आपका भ्रूण परिवर्धन, भ्रूण परिवर्धन। देखिए सगर्भता किसे कहते हैं, भू परिवर्तन किसे कहते हैं, भ्रूण परिवर्तन। भ्रूण परिवर्तन में आपका सगर्भता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होने वाले विकार को सगर्भता कहते हैं, और भ्रूण परिवर्तन कुछ अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जीवों में, वनस्पतियों में, अर्थात प्रेग्नेंट होने के बाद, प्रजनन क्रिया होने के बाद होने वाले रिप्रोडक्शन क्रिया को भ्रूण परिवर्तन कहते हैं। तो यह भ्रूण परिवर्तन का परिभाषा है। इसके बाद सातवां पॉइंट आपका आता है, लास्ट स्टेप है, प्रसव एवं दुग्ध स्राव। देखिए प्रसव की अवधि रिप्रोडक्शन क्रिया अर्थात प्रजनन क्रिया होने के बाद वनस्पतियों का, जीवों का, जंतुओं का, और जंतुओं में कई वर्गीकरण हैं जिनका भिन्न भिन्न काल होता है। जैसे हाथी का आपका 900 दिन होता है, मुर्गियों के ले लीजिए 21 दिन का होता है, अन्य जंतुओं का ले लीजिए, बकरी का ले लीजिए, गाय भैंस का ले लीजिए, ये भिन्न भिन्न होते हैं प्रसव, उनकी डेटें भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस तरह से प्रसव प्रक्रिया है, प्रजनन होने के बाद गर्भाशय में पलने वाले शिशु जब बाहर आता है उस प्रक्रिया को हम जो है प्रसव कहते हैं। दुग्धस्राव, यह स्राव यह संरचनाएं जो है, इनकी संरचनाएं जो है लगभग गुच्छे जैसी होती हैं, और इस गुच्छे में इनकी संख्याएं जो है 15 की संख्या होती है, 16-20 की संख्याएं होती हैं गुच्छे जैसी, पतली पतली कोशिकाएं होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसमें दुग्ध का श्रावण निर्माण होता है, और इस मुख पर 10 से लेकर 16 और 15 के बीच जो है छिद्र होते हैं, और ये कोशिकाएं जब काट कर देखी जाती हैं एक दूसरे से जालिका बना हुआ जाल बिछा होता है, इस जाल में जो फिल्टर होता है और इस फिल्टर में होने में दूध का स्राव होता है। इस तरह से ये कोशिकाएं एक दूसरे से बटी होती हैं, ये जाल बिछा होता है, इस तरह से यह दुग्ध स्राव होता है। अब आगे हम चैप्टर देखते हैं।